स्टैंड अटेंशन, प्रे पोजीशन, प्रे स्टार्ट, 1 2 3 ओ गॉड डी थैंक डी फोर डी नाइट एंड फोर डी प्रेजेंट मॉर्निंग लाइट फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर एंड ऑल दैट मेक्स डाबर सोफियर हेल्प अस टू डू द थिंग बी शुड टू बी टू अदर काइंड एंड गुड इन ऑल बी डू इन ऑल बी से टू ग्रो मोर लविंग एवरी डे। राष्ट्रगान एक लय में तेज आवाज में और पूरा बोलेंगे एक साथ स्टार्ट 1 2 3 जन गण मनी अधिनायक की जया ही भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ी उत्तिकल गंगा विंद हिमाचल यमुना गंगा उचल जल दिंगा तब सुबह नामे जागे तब सुबह आस सिमागे गाए तब जया गाथा जनगण मंगल दायक की जया है भारत भाग्य विधाता जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। प्लेज पोजीशन स्टार्ट। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्रेव टू बी वर्दी ऑफ इट, आई शैल गिव माई पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑलराउंडर्स रेस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरी वन विद कर्सी टू माई कंट्री एंड माई पीपल, आई प्लेज माई डिवोशन इन देयर वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। चलिए सभी नॉमिनेटेड बच्चे आ जाएं। बहुत ही सुंदर, कितने समझदार बच्चे हैं, अपने आप से ही निकल के आ गए। ऐसी याद है ऐसी बोल दो, पर्चा से अगर नहीं याद है पर्चा से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इंट्रो दो अपना। माय नेम इज प्रांशु मौर्य, आई एम इन क्लास 5 फ्रॉम चंदपुर कार्यान। जोर से बोलना, अच्छा माइक के पास आ जाओ और ध्यान से सुनेंगे बच्चों, फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बताइए सबसे भारी। राइट आंसर बताओ। सोन चिड़िया बोल दिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक लिखी गई? राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति कराता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है ऐसे पूछा करो, अच्छा बताइए। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, नल पाइप की मरम्मत कराता है? क्वेश्चन फिर से बोलो। नल पाइप की मरम्मत कराता है? नल पाइप की मरम्मत कौन करता है ये ऐसे करके बोला करो, ठीक है बताइए। कौन सा मिस्त्री? मिस्त्री तो बहुत होते हैं। नल साज वही नल वाला, एक ही बात है। किस जानवर के शरीर में 3 हृदय होते हैं? अरे गजब, बताओ किस जानवर के शरीर में 3 हृदय होते हैं, बहुत तो बहुत बढ़िया जानवर है भाई। या राइट। कौन सा? कैटल फिश। माय नेम इज साजी फ्रॉम चंदपुर काजियान, हिंदी न्यूज़। मुख्यमंत्री ने कहा
है। 7 माह के कार्यकाल में प्रदेश भर के 1200 अपराधी को मार गिराया। 800 से ज्यादा अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए। बहुत सुंदर। अरे बड़ा है तो छोटा कर ले रहे हैं, या तुम बड़े हो जाओ, है ना। एक को तो छोटा होना पड़ेगा या फिर बड़ा होना पड़ेगा। देखो सर, लंबाई बढ़ाओ अपनी, वो छोटे क्यों हो रहा है, तुम घिस गए क्या पहले से। माय नेम इज अंकित फ्रॉम चंदपुर काजियान, इंग्लिश न्यूज। कानपुर इन बिजलौर इंस डैश्ड इन चंडीगढ़ विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आ 15 इयर्स ओल्ड मैन डेस्टिक वैन आ इफ कू कुड अर्वन ऑफ आ ग्रॉड विच ही हैड ईटिंग गॉट स्टिक इस गॉट एंड प्रोड्यूस हिज रिपीज राइटिंग डिक्लेयर। थैंक यू। रुको, देखो प्यारे बच्चों, आप ये मत समझना इन्होंने न्यूज़ सुनाई तो बहुत हल्के हल्के पढ़ पढ़ कर सुनाई, ऐसा ये नए नियुक्त हुए हैं अभी न्यूज़ सुनाने वाले, क्या कहते हैं, रिपोर्टर जो भी कहते होंगे, ये नए नियुक्त हुए हैं तो अभी इनको अनुभव नहीं है। हमें उम्मीद है अगली बार जब इनका नंबर आएगा तो एकदम फिल्मों में सुनाएंगे बढ़िया से, ठीक है। घर पे खूब पटकाया करो बढ़िया से, तब अच्छा सुना पाओगे, समझ गए। जाओ। माय नेम इज अरुण, आई रीडिंग क्लास 5th। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। बहुत सुंदर। माइक बड़ा करना पड़ेगा यार। माय नेम इज अयान, माय फादर नेम इज अशफाक हुसैन, माय मदर नेम इज निशा वी, आई रीडिंग क्लास 5th, आई विश टू बी डॉक्टर इन माय लाइफ, हेल्थ इज वेल्थ। वेरी गुड, हेल्थ इज वेल्थ भाई, स्वास्थ्य ही धन है। माय नेम इज सिंह। एक सेकंड, हमारे हिसाब से छोटा पड़ रहा है। माय नेम इज सक्सेस सिंह, आई रीडिंग क्लास 6th, तेज आवाज में 5th। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 बहुत सुंदर। अच्छा हमें पता नहीं था पीटी करने, हमसे कुछ अपना थॉट वगैरह सुनाएंगे। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब हम बुलाना चाहेंगे नैना के लिए मंच पर, बहुत छोटी सी बच्ची नैना, आ जा बेटे आ जाओ। इनका देखो नया एडमिशन हुआ है और कमाल देखिए कि छोटे छोटे जो नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बोलने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये आपको बहुत ही मधुर आवाज़ में एक पोएम सुनाएंगे सुंदर सी। पहले अपना नाम बता दो बेटे। नैना। शाबाश। कौन सी क्लास में हो, एनसी में केजी में? कंचनवाली में। हाँ कंचनवाली में। कंचनवाली क्लास में हैं जी भाई, समझ रहे हो। कंचनवाली क्लास कौन सी होती है, यानी कि इनकी सहेली कंचन है, वो जिस क्लास में पढ़ती है उसी क्लास में ये पढ़ती हैं, समझे। आरी वासन में तो एक कंचन वाली क्लास में है, ठीक है। नई क्लास का आज निर्माण हुआ है, आज ही आविष्कार हुआ है नई क्लास का, कंचन वाली क्लास, ठीक। बहुत सुंदर सुनाओ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे में भी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। बहुत सुंदर। और एक आध बहुत बढ़िया, जा। बस स्टॉप प्लीज। देखिए प्यारे बच्चों कितने कमाल की बात है और खुशी की बात भी है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जरा जरा से बच्चे, जबकि नया एडमिशन हुआ है, नए बच्चे हैं, हो सकता है इनके अंदर प्रतिभा पहले से ही हो लेकिन उसको बाहर निकालने का इनको मौका ना मिल रहा हो, इसलिए अब इनको मौका मिल रहा है। तो सारे बच्चे देखो नए से नए बच्चे मंच पर आते हैं और अपना
बहुत ही सुंदर परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कल भी एक बच्ची ने बहुत अच्छा गाना सुनाया, प्रिया ने, प्रिया नाम था ना, हाँ, बहुत अच्छा गाना सुनाया। कोई बात नहीं, पहली बार तले थोड़ा झिझक रही थी बेचारी, अगली बार में उम्मीद है बहुत ही बढ़िया सुनाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का ये बहुत बढ़िया नसीब है कि आप ऐसे विद्यालय में आ गए हैं जहाँ पर बात नहीं, जहाँ पर इतना बड़ा मंच आपको बोलने के लिए, आपकी कला को दिखाने के लिए, आपके अंदर जो ज्ञान है उसको दिखाने के लिए आपको यह उपलब्ध हुआ है। और इतना बड़ा विद्यालय की बिल्डिंग, इतना बड़ा विद्यालय, इतने बड़े बड़े इसमें जो बोर्ड लगे हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, इस पर टीचर पढ़ाते हैं, खूब बड़े बड़े हैं, अच्छा सा फर्नीचर, अच्छे अच्छे काबिल टीचर। और इधर देखिए, केवल आप लोग की पढ़ाई की वजह से इतनी दूर दूर से टीचर यहाँ पर आते हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए। अब इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको वो पढ़ाई मिल पाती जो उनको चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उससे वो दूर हो जाते हैं। और उनका जो पैसा है, ट्यूशन फीस वगैरह है, वो एक तरह से कामयाब नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जो हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि कम से कम उनको तो बहुत बढ़िया मिल सके, अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज, अच्छा परिवेश, अच्छा माहौल, अच्छे टीचर से शिक्षा, ये सब प्राप्त हो सके। और ये सब कहाँ मिल सकता है क्षेत्र में, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको अच्छी तरह पता है ये सब कहाँ मिल सकता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ लगातार रोज़ खूब एडमिशन इस समय चल रहे हैं और उम्मीद है पूरी जुलाई एडमिशन लेने से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। ये सब आप लोगों के जो पढ़ाई का जो जज्बा है, आप लोगों का जो जुनून है, सब इसी का परिणाम है। यहाँ के टीचर्स की जो मेहनत है, यहाँ के टीचर्स इतनी मेहनत से यहाँ पढ़ाते हैं, सब इसी का फल है कि यहाँ रोज़ एडमिशन हो रहे हैं नए नए। इसलिए देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें हमारे विद्यालय में लग गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से आप रोज़ विद्यालय आएंगे और नए नए जो बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ रहे हैं किसी वजह से, या कहीं भटके हुए हैं, उनको सही रास्ते पर लेकर आएंगे और अपने विद्यालय के बारे में, अपने यहाँ जो आपके वीडियोस बनती है, आप जो देखते हैं फ़ोन पे, उन सब के बारे में आप अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में जाकर बताएंगे, शेयर करेंगे, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए आ सकें। समझ गए प्यारे बच्चों? अब देखिए, इधर देखें, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिनों के बाद आज आए हैं। अब वो सोचेंगे आज तो शनिवार है, कल संडे है, अब दो दिन के बाद ही जाएं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, जैसे थर्सडे को फ्री हो गए, फ्राइडे को फ्री हो गए, अब उनके मन में आता है सीधे मंडे से चलेंगे, सैटरडे गोल कर देते हैं। सैटरडे को पता नहीं लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि या छोटा मानते हैं या कम आँकते हैं कहीं ना कहीं। देखो दिन सब बराबर है, क्या पता सैटरडे को आपको बढ़िया पढ़ाई मिल जाए, क्या पता उस दिन कौन टीचर क्या पढ़ा दे। अगर आप आ जाएंगे तो कम से कम आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ आपके ज्ञान में इजाफा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बच्चे सोते हैं नहीं, अब तो सीधे मंडे से ही चलेंगे। अब एक दिन सैटरडे गया, एक दिन संडे गया, फिर आपका मन खेलने में लग जाएगा या किसी और काम में लग जाएगा, फिर मंडे को आने का मन नहीं करेगा, है कि ना। इसलिए अपनी जो पढ़ाई है, जो स्कूल के आने का जो क्रम है, उसको बिल्कुल टूटने ना दें। जो रेगुलर रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं अपने काम में, उन्हीं को सफलता मिलती है बच्चों। इसलिए पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, एकदम सजगता बरतते रहेंगे और ध्यान से पढ़ाई करते रहेंगे, इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हमने बातें बताई उन पर अमल करेंगे और कल हमें बताएंगे कि किस किस बच्चे ने कितना कितना पढ़ा। आ रही बात समझ में? तो सारे बच्चे क्षेत्र में अपने विद्यालय की विशेषताएं जाकर बताएंगे और वीडियोस के बारे में बताएंगे, इसी तरह से मेहनत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का दिन यहीं तक।
धन्यवाद।